सना बुचा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सना बुचा साहिबा, पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। 351 कंपनीज गैर मुल्की ऐसी हैं जिनसे जो फंडिंग है वो गैर कानूनी करार दी गई है, कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? देखिए, बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि ये फैसला दिया गया कि रात से किया जा रहा था कि आपको याद होगा एक आती आया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो क्रिश्चन खातून, और उनके केस में यही हुआ था कि रेंजर्स रात को ड्राइव ना हुए थे, उस दिन पूरे दिन बहुत ज्यादा कशीदा रही थी। अब ये जो मामला है, अब ये सोचे जरा, हमारी कौम भी सोच रहे, हमारी आवाम भी सोच रही है, पार्टी ऑफ अमेरिकन साहब कौन सी पार्टी हो सकती है, अब कौन सी जमात होगी है कि उनके लिए ऑलरेडी मतलब वो एक इत्तेजाजी जमात है और जिसमें कमल जो भी उनके खिलाफ पैसा आता है उसके खिलाफ वो यही हरकत करते हैं, तो अब उनमें और बाकी मेरा ख्याल है 90% जमातों में तो फर्क कोई रह नहीं गया। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये जो फैसला है यह सबको पता था क्या आना है, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें बहुत मोटी मोटी स्टैब्लिश हो चुकी थी और उसको फाइनेंशियल क्राइम की खबर ने मजीद इसको स्ट्रेंथन किया था, और जाहिर है अकबर है जो आपकी 8 साल से अगर लगे हुए किसी चीज के पीछे बहुत से नहीं लगे थे कि उसमें कुछ नहीं था। तो मेरा ये ख्याल है कि जितनी इन्होंने सवाल लिए, जितने स्टेज लिए, जितनी दफा ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, कभी उन्होंने कहा कि हमारा फैसला इनके साथ दे दें कि कुछ पार्टी का साथ सुना दें, अब वो आपको कहेंगे जी नून लीग ने उसाम बिन लादेन से पैसे दिए तो फलां से दिए तो डेमोक्रेट से दिए, तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने तो जहाँ से दिए उनका वक्त भी आ जाएगा, अभी तो आपका वक्त है, अभी तो 8 साल में आपका वक्त आया है तो अब आपके वक्त होगा क्या। लेकिन देखिए ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बार बार हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो बार बार कह रही थी कि मुतालबा कर रही थी कि फैसला दे फैसला दे फैसला दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर और अब इन्होंने आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्जी स्टैब्लिश कर दी है और इन्होंने एक और आर्टिकल भी कर दी है जिससे इन्होंने एक तो ये कि झूठ बोला है तो ये साबित नहीं रहे और नींद नहीं रहे, और दूसरी बात ये कि जूता बयान है हल्की जमा कराना, फिर उसके बाद फॉरन ममनुआ फंडिंग को लेना और देखिए चैरिटी के नाम पर लेना और इसे पार्टी में इस्तेमाल करना, मतलब ये रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स है, इतना रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स है कि जिन लोगों ने आपको पैसे दिए वो समझ रहे हैं चैरिटी के लिए और वो पार्टी में लगे। आई मीन दिस इज, ये तो शेमफुल होना चाहिए, मतलब इस वक्त इमरान खान साहब का मुंह नीचे करके छुपा देना चाहिए, ना कि अपने लोगों को बताएं कि जाके इनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करें, और ये अब कोर्ट में लेके जाएंगे, अब कोर्ट में फुल बेंच फैसला करेगा। और बिल्कुल सना बुचा साहिबा, तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ थी सादिक और अमीन उस पर तो अब क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल जी, क्वेश्चन मार्क तो काफी अरसे से है, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क को बार बार वो मिटाने की कोशिश जरूर करते हैं, और वो होता ही है कि वो अपना क्वेश्चन मार्क ना दूसरों के मुंह पे उससे ज्यादा बड़ा लगाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी जो निगाह है और आपका जो फोकस है वो दूसरी जमातों पर है। इस बार भी उनकी ये स्ट्रेटजी है, लेकिन मेरा ख्याल है अपना काम होनी चाहिए, और ये बहुत अहम है कि चाहे एक पॉपुलर जमात है, चाहे उसके जितने मर्जी फॉलोअर्स हैं, चाहे उसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है, पॉइंट ये है कि फैसला आइन और कानून के जो पुरानी होनी चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अब आप जमात की कितनी फॉलोइंग है, हैं हम क्या इसको अवॉइड करें, ये डर और फॉर्म से अब पैसे रुके नहीं चाहिए, और इसको अब ये एस्टैब्लिश हो गया है और ये पहले आदमी नहीं है कि उन्होंने फंडिंग की होगी, मैंने तो ऐसी आखिरी आदमी होंगे, मैंने तो ऐसी सिर्फ इमरान खान साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सादिक और अमीन है और उन्होंने जिंदोरा इतना पीछा है, मतलब इनकी अपनी इमेज बिल्डिंग में जो एग्जैक्ट इंग्रीडियंट जो एसेंस है इनकी मेकिंग का, उसमें ही फॉल्ट अगर आ जाए तो फिर आपका रह क्या गया, तो पूरी जमीन है मतलब पूरी बिल्डिंग रह गई है, लेकिन आपकी बुनियाद ही कमजोर, तो हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद ही किसी और ने रखी, जिसको लोटे ही आके पार्टी वो क्या बात करती है उसके कल की और जमीन पड़ोसी की और पना की, मतलब ये तो आई मीन यू नो ये सर कह देना कि मैं हर कानून से मावरा हूँ, मैं किसी कानून के अंदर नहीं फॉल करता, मैं किसी आईन की शिफ्ट के अंदर फॉल नहीं करता, बिकॉज मैं तो कोई सुपर ह्यूमन हूँ, तो आप सुपर ह्यूमन नहीं है, और अगर आप सुपर ह्यूमन है तो फिर और जगह दुनिया में साफ होते जगह नहीं हो सकता।